बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हकीम इलियास। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये मर्दाना टाइमिंग के हवाले से है और ये मसला इतना आम है कि तकरीबन 90% लोग इस मसले से परेशान है। लोग इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के अद्वियात यूज करते हैं, हत्ता कि फिर लास्ट में आते हैं स्टीराइड पे, ठीक है। और स्टीराइड का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वो तो जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, गुर्दों के ऊपर भी काफी उसका असर पड़ता है। इसके अलावा अगर नुकसान ना भी हो जाए तो स्टीराइड का फर्स्ट नंबर पे नुकसान यह है कि वो जिस्म को सुन कर देता है, मुबाशरत का लुत्फ फिर होता ही नहीं है। अगर टाइमिंग बढ़ जाए तो फायदा क्या है। इसके अलावा गैर शादीशुदा अपराध के लिए मैं थोड़ा सा एक बात वाज़ह करना चाहता हूँ। शादी से पहले टाइमिंग का मसला किसी भी बंदे का ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि शादी से पहले बंदा गलत काम करता है और गलत काम में कभी भी टाइमिंग नहीं बनती। तो इसीलिए गलत काम के दौरान दिल और दिमाग के ऊपर प्रेशर और दबाव होता है, उसकी वजह से ये टाइमिंग जीरो पे आती है, ना कि ये बंदा सूरत इंजाल का मरीज है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, टू द पॉइंट सबसे पहले आता हूँ। आप लोग नोट कीजिएगा अपने साथ, स्क्रीन पे मैं लगा रहा हूँ, यहां से आप लोग नुस्खे की स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें सबसे पहले नंबर पे है खशखाश डोडा 60 ग्राम, इसके अलावा खुरासानी 8 ग्राम, मगज कद्दू 8 ग्राम, हरमल 8 ग्राम, तुखमे बंग 8 ग्राम, अकरकरहा 16 ग्राम, खुलंजान 16 ग्राम, मालकंगी 16 ग्राम, तुखमे रेहान 8 ग्राम। जी, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया होगा। ये चीजें आप लोगों को इजीली पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। पंसारी ने इसकी बारीक पाउडर बनाना है, फिर आप लोगों ने इस पंसारी से 500 mg कैप्सूल लेना है और कैप्सूल भरना है इस नुस्खे से, ठीक है। इसके अलावा एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को आप लोगों ने लेना है पानी के साथ, ठीक है। जिन लोगों को टाइमिंग का इशू बहुत ज्यादा है, वो लोग वक्त खास से पहले 2 कैप्सूल दूध के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज 1-1 कैप्सूल आप लोग सुबह शाम यूज करें। इसके साथ भी इंशाल्लाह आप लोगों का मसला मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाएगा। आप लोग 15 दिन से 1 महीने तक इस नुस्खे का इस्तेमाल करें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा परहेज में आप लोग गर्म अशिया खाने से परहेज करें। ज्यादातर जो बाजारी अशिया है उनके खाने से आप लोग परहेज करें। इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इंतहाई तजर्बाती नुस्खा है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह आप लोगों का टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो लोग जो कहते हैं कि हकीम साहब हमारे पास या तो फुर्सत नहीं है कि हम ये चीज बना ले, या इसके अलावा मतलब क्या गारंटी है कि पंसारी हमें एक नंबर चीजें देता है या नहीं देता, तो उन लोगों को ये नुस्खा तैयार भी मैं TCS के जरिए पहुंचा सकता हूं। लेकिन सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, हर इलाके में अच्छे अच्छे पंसारी होते हैं, आप लोग वहां से इस नुस्खे को बनवाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं पहले नहीं कह रहा हूँ कि इससे क्या क्या होगा, जब आप लोग इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये नुस्खा टाइमिंग के हवाले से कैसा है। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।